बागबाहरा डायरिया से एक की मौत, तीन की हालत बिगड़ी। ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम शिकारीपाली में डायरिया के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम शिकारीपाली के 6 वर्षीय बालिका दीपा और उसकी 9 वर्षीय बहन चंचल को रात से उल्टी दस्त होना बताया गया। परिजनों के अनुसार दोनों ने कल रात को फ्राई चावल का कहना बताया तबीयत ज्यादा बिगड़ने की स्थिति में दीपा को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था, तब रास्ते में ही दीपा की मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन चंचल की तबीयत ज्यादा खराब होने से बागबाहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायरिया का प्रकोप गांव में फैलने से शिकारीपाली के 23 वर्षीय संगीता धूप पिता अंजोर सिंह एवं 64 वर्षीय श्रीराम की तबीयत बिगड़ते ही इन सभी को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। बाद में इन्हें निकाहरा हॉस्पिटल रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया। CNI न्यूज बागबाहरा से हरपाल सिंह सलूजा सेंटी की रिपोर्ट। राजनांदगांव पेट्रोल लेके पहुंचा पार्षद। पार्षद दीपक यादव ने 24 घंटे का दिया समय, निर्माण नहीं हुआ तो आत्मदाह करने की दी चेतावनी। नेताओं के दबाव में आके निगम के अधिक ली हुए 39 सालों से निगम नहीं बना पाई सड़क, लोग दल दल मार्गों से आवागमन करने को मजबूर। राजनांदगांव वार्ड नंबर 43 जलधारा चौक बसंतपुर में स्वीकृत हुई सड़क निर्माण को निगम के द्वारा आधे में ही रोक दी के विरोध में बसंतपुर के पार्षद दीपक यादव ने पेट्रोल से भरा डब्बा लेके आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र सड़क निर्माण को पूर्ण करने की मांग की। ज्ञात हो कि उस स्थान पर विगत 50 सालों से सड़क निर्माण नहीं हुआ है, वनवासी दलदल सड़कों पर चलने को मजबूर है। CNI न्यूज राजनांदगांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। राजनांदगांव मुख्यमंत्री सांसद एवं महापौर तीनों भाजपा के होने के बाद शहर विकास में पिछड़ा। भानुशाली रोजगार के नाम पर युवाओं को छल रही सरकार। शहर के श्रमिकवार टोल में पदयात्रा कर युवाओं ने खोली सरकार की पोल। राजनांदगांव प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश पटेल आदेश अनुसार एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र उदय मुदलियार के मार्गदर्शन में युवक का रेस के विधानसभा अध्यक्ष चेतन भानुशाली के नेतृत्व में पोल खोल के तीसरा चरण तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 नवागांव से लेकर मोतीपुर, रामनगर, शंकरपुर, शांति नगर, चिखली, स्टेशन पारा तक नारेबाजी का रते हुए पदयात्रा निकालकर प्रदेश की रमन सरकार के जनहित विरोधी नीतियों एवं नाकामियों को गिनाया गया। CNI न्यूज राजनांदगांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। अम्बागढ़ चौकी नक्सलियों के खिलाफ एकजुट हुई जनता। वनांचल क्षेत्र के अम्बागढ़ चौकी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आम जनता, महिला, पुरुष, आदिवासी समाज के लोग, स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एकजुट होकर स्वस्फूर्त नक्सलियों के कुकृत्य के विरोध में व्यापक विरोध रैली जन आंदोलन निकालकर अपना विरोध जताया। ज्ञात हो कि औंधी क्षेत्र में विगत एक माह में नक्सलियों द्वारा 4 निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों पवन बिहारी, बाजूराम नरेटी, चंदन किरसानी एवं विनोद सलामी की निर्मम हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी गयी। इसी खिलाफत की कड़ी में आज अम्बागढ़ चौकी बस स्टैंड से होते हुए पूरे नगर में नक्सलियों के खिलाफ एक रैली निकाली गई। इस रैली में लगभग 4,000 की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाई। नक्सलियों तुम काया हो, मासूम ग्रामीणों पर अत्याचार करते हो, नक्सलवाद नहीं, हमें विकास चाहिए, हम आदिवासी शांति प्रिय है, शांति से जीने दो के नारे लगाते हुए नगरवासी व स्कूली बच्चों ने कायराना नक्सलियों के कृत्यों के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। CNI न्यूज अम्बागढ़ चौकी से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। बालोद बोनस तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रमन सिंह का आज बालोद जिले के गुंडरदेही दौरा। CM 92,615 किसानों को 133 करोड़ 94 लाख 70,900 रुपए का करेंगे बोनस वितरण। 130 करोड़ से भी अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर जिले वासियों को देंगे सौगात। CNI न्यूज बालोद से कुमकुम के साथ दीपक देवदास की रिपोर्ट। जिला बालोद ग्राम पंचायत वासीन के पास बने पुल पर तेल बहाव में दो बच्चे संदीप कुमार साहू उन्हें लगभग 5 विषयों एवं रुद्र प्रताप पिता थानुराम बल गए, जिसमें से एक बच्चे को काम से लौट रहे ग्राम के सेवाराम साहू द्वारा तत्परता से बचा लिया गया। एक बालक संदीप कुमार तेज बहाव में बह गया। ग्रामीण द्वारा देर रात तक खोजबीन की गई किंतु प्रातः 10 बजे तक का ई बरामदगी नहीं हो पाई। पूर्व सरपंच टोमन लाल साहू ने बताया कि पुल में रेलिंग नहीं है। कई बार अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को पुल की ऊंचाई बढ़ाने आवेदक किया गया है किंतु नतीजा सिफर रहा। यही वो नाला है जिसमें बच्चा बह गया है। CNI न्यूज बालोद से कुमकुम के साथ दीपक देवदास की रिपोर्ट। बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचरी के उचित मूल्य की दुकान में SDM, तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर का
यह दरअसल केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष तू लेश्वर वर्मा के द्वारा एसडीएम कार्यालय में शिकायत हुआ था कि विकासखंड बुलाईगढ़ के सलोह निकला के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचरी में पीडीएस में मृत व्यक्तियों के नाम से पचरी सेल्समैन द्वारा फर्जी राशन आहरण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए टीम गठित हुआ और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संदेहजनक स्थिति में सामान देखा गया, जिसे बुलाईगढ़ एसडीएम की मौजूदगी में सील किया गया। इस क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर से बार बार इस तरह की मांग मले में शिकायत किया जा रहा था, लेकिन कोई कार्य भी नहीं हो पाई थी, जिसे देखते हुए जब हमारी टीम ने इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर कमल अग्रवाल से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया, या जिससे साफ जाहिर होता है कि फूड इंस्पेक्टर भी इन सब में शामिल होके सेल्समैनों को संरक्षण देते, जिसके ऊपर जाँच होके कार्यवाही किए जाना चाहिए। और यहाँ आने के बाद और भी बहुत सारी चीजें पता चली थी, जाँच के बाद पता ज्यादा अच्छा। अभी किसी के ऊपर कुछ कार्यवाही थोड़ी हुई है? जब तक जाँच कम्प्लीट नहीं होगा सील किया गया है क्या? CNI न्यूज बुलाईगढ़ से भागवत साहू की रिपोर्ट। पेलीमेटा टिंडई में महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। टिंडई पंडिया में करवा चौथ पर विशेष मौसम खराब होने के बाद भी रविवार देर रात आखिरकार चांद का दीदार हो गया। पात की दीर्घायु के लिए महिलाएं ने व्रत रखा और चांद का दीदार होते ही चांदर अपने पति का पूजा अर्चना किया और पति की लंबी उम्र की मंगल कामना की। CNI न्यूज पेलीमेटा से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। पेलीमेटा में हेलीकॉप्टर से सांसद का आगमन। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेश मुन्नत जी एवं सांसद श्री अभिषेक सिंह जी का आगमन 12 अक्टूबर को बोनस त्योहार एवं विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रमों को लेकर हेलीकॉप्टर से गुरुवार 12:30 पर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान पेलीमेटा में पहुँच वाले थे। पेलीमेटा में 8 अक्टूबर को बोनस त्योहार कार्यक्रम रखा गया था। मौसम खराब और उस दिन बारिश होने की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया था। जानकारी साल्हेवारा भाजपा महामंत्री संत धर्मगढ़ी ने क्षेत्र के ग्रामीणों को अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है। CNI न्यूज पेलीमेटा से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। पेलीमेटा किसानों ने लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम कनेरी डूंगरगढ़ में 18 गाँव के किसान प्रतिनिधियों का बैठक रखा गया, जिसमे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्री सुदेश टीकम चंदू साहू रामदास चंद्रवंशी की प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और किसानों ने मुट्ठी में चावल लेकर संकल्प लिया, चाहे रहे कोनो सरकार बोनस ले वो पांचों बार बोनस नहीं तो सरकार नहीं। CNI न्यूज पेलीमेटा से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। पेलीमेटा भाजपा कार्यकर्ता हुए केरल रवाना। आज रायपुर से केरल के वामपंथी सरकार के खिलाफ पदयात्रा में शामिल होने के लिए भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व वमे बिलासपुर एर्नाकुलम ट्रेन से कार्यकर्ता केरल के लिए रवाना हुए। आज सुबह रायपुर रेलवे स्टेशन में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन सायक, मंत्री राजेश मुन्नत, महेश गागड़ा व RDA अध्यक्ष संजय श्रीवास तब ने उन्हें रवाना किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता केरल के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर प्रदेश भाजयुमो महामंत्री संजू नारायण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शेख खैरागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष विक्रांत सिंह, दीपक बैस, दीपक वाजपेयी, अनुराग अग्रवाल सहित जिलाध्यक्ष व पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। CNI न्यूज पेलीमेटा से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। बस्तर रेडक्रॉस के अध्यक्ष एवं कलेक्टर के निर्देश पर रेडक्रॉस वृद्धा आश्रम के 6 माताओं को वृंदावन मथुरा दर्शन भ्रमण हेतु आश्रम प्रबंधक GR ठाकुर के साथ भेजा गया। माताओं ने बस्तर कलेक्टर का आभार मानते हुए बस्तर के कल्याण हेतु प्रार्थना के साथ निकले। CNI न्यूज बस्तर से अलेक्जेंडर की रिपोर्ट। बस्तर आखिर मेहनत रंग लाया। अध्यक्ष एवं कलेक्टर बस्तर रेडक्रॉस श्री धनंजय देवांगन जी के निर्देशानुसार दानदाताओं से मिला पहला डायलिसिस मशीन संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से जिला महारानी अस्पताल में लगा। CNI न्यूज बस्तर से अलेक्जेंडर की रिपोर्ट। सारंगढ़ के गोमडा अभयारण्य गौर परिसर में आयोजित किए गए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आज समापन। वहीं सारंगढ़ के गोमडा अभयारण्य गौर परिसर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आज समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां इन 7 दिनों में आयोजित किए गए विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, निबंध, जन जागरूकता, साइकिल रैली तथा वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया था, जिसमें सारंगढ़ के सरकारी एवं निजी स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया था। CNI न्यूज सारंगढ़ से प्रवीण थॉमस की रिपोर्ट। सारंगढ़ अलग अलग विभागों की समस्या को लेकर विभाग प्रमुखों से मुखर हुई। NECI महाविद्यालय में प्राइवेट में सीटों में वृद्धि व कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं में कमी का लेकर महाविद्यालय प्राचार्य से की मुलाकात व जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग रखी। लोक निर्माण विभाग में फिर नदारद रहे अधिकारी। पूर्व में की गई मांगों पर अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई। DMO से मिलकर छिंदक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द NM की नियुक्ति की मांग की। 1 माह से खाली पड़ा है उप स्वास्थ्य केंद्र। जन आंदोलन का दूसरा नाम है NECI। CNI न्यूज सारंगढ़ से प्रवीण थॉमस की रिपोर्ट। रायपुर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया का आज रायपुर आए रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 दिवसीय दौरे पर रहे गए कांग्रेस पार्टी को बस्तर में मजबूत करने के लिए वह बस्तर आए हैं। इस चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का जनाधार करने के लिए बस्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं। CNI न्यूज रायपुर से सोना दीवान की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।